ओके तो सो गाइस, मैं फिर से आप लोगों की न्यू ट्रेंडिंग रील लेके आया हूँ, जिसका वीडियो बनाकर आप भी अच्छी तरीके से अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइस, क्या आप इस टाइप का रील बनाना चाहते हैं तो बस आप लोग कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं, बस आप लोग इसको फुल वॉच कर लेंगे ना तो आप इस टाइप का वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले आप लोगों ने VPN को कनेक्ट करा लेना है तो मैं यहाँ पे अपने कनेक्ट करा लेता हूँ। इसका लिंक VPN का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कनेक्टिंग हो रहा है तो डन। कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पे इसको कट करना है, यहाँ से बैक होना है, कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा एंड न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर अपनी वीडियो क्लिप को ऐड कर देना है। इस वीडियो क्लिप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देन करने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे लास्ट में वाटर मारा कर रहा है तो इसको डिलीट कर देना है एंड इसके फ्रेम रेट को यहाँ पे 9.16 इशू कर देना है। ओके एंड इतना करने के बाद में यहाँ पे बैक होना है एंड यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे जाना है और गैलरी में से अपनी फोटो या वीडियो कोई से भी ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे डन कर देना है। इतना करने के बाद में इसके वीडियो को म्यूजिक को ऑफ कर देना है, नीचे ऐड ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एक्सट्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे अपनी म्यूजिक को ऐड कर लेता हूँ मैं। तो ये रहा एंड इंपोर्ट साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे म्यूजिक की फुल लेंथ की वीडियो बराबर कर देना है एंड यहाँ पे अपनी वीडियो में इस म्यूजिक पे कट लगा देना है, सॉरी एंड यहाँ पे रहने देना है। यहाँ पे अपनी फोटो के बीच में कट लगा देना है एक। ओके इतना कर देना, फोटो वाले लेयर पे क्लिक कर देना, नीचे एनिमेशन वाले ऑप्शन पे आ जाना है और आने के बाद में कौन सा एनिमेशन को ऐड कर देना मैं बता देता हूँ। तो इधर तरफ स्क्रॉल कर देना तो यहाँ पे ये वाले एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड ऐड कर देने के बाद में इसके साइज को फुल कर देना है एंड इसकी भी साइज को फुल कर देना है एंड इसमें भी कौन सा एनिमेशन को ऐड कर देना है, इसमें आना है, कॉम्बो में आना है एंड ये वाला एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड यहाँ पे राइट कर देना है। सो फाइनली यहाँ पे अपनी वीडियो बन के कम्प्लीट हो चुकी है। ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाके आप लोग अपनी वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है।